बिहार में अक्सर परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं। इसी कड़ी में सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के सिपाही परीक्षा के दौरान तीन मुन्ना भाइयों को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय से गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि ये लोग दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सूचना के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा दे रहे छात्र से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान बांका निवासी सुमन कुमार के बदले प्रभाकर कुमार मुंगेर के धनपुरा का निवासी है, वह परीक्षा दे रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी क्रम में पुनः जांच की गई तो बांका के अरविंद कुमार के बदले रोशन कुमार, जो भागलपुर ग्राम सीतारामपुर का निवासी है, उसे परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि कल तीन गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्धों के बारे में जानकारी मिला था और जानकारी के जांच एवं सत्यापन के लिए जो है जवाहर नवोदय विद्यालय गए, वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त थे, उनके द्वारा साथ में ले जाके जो है एक व्यक्ति से पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में वो व्यक्ति अपना नाम जो है प्रभाकर कुमार बताया, जो प्रभाकर कुमार जो है एक दूसरे व्यक्ति जो ओरिजिनल कैंडिडेट थे सुमन कुमार की जगह पर वो अपना परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। काफ़ी छानबीन के बाद जो है कड़ाई से पूछताछ में ये बात उन्होंने स्वीकार भी किया है। इस संबंध में जो है सुमन कुमार को भी दोनों को जो है डिटेन किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में। उनका स्वर्ग वो अपना बता रहे हैं। उनके विरोध में फिर एक दूसरे व्यक्ति और पकड़ाए हैं, जिनका नाम है रोशन कुमार। वो भी जो है दूसरे लड़के के बदले में जो है अरविंद कुमार के बदले में जो है एग्जाम में बैठ रहे थे। तो इस तरह से कुल तीन गिरफ्तारियां हुई है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की।